सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि INS विक्रांत क्या है। तो हम आपको बता दें कि INS विक्रांत भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित विक्रांत क्लास का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत की कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी के लिए विकसित किया जा रहा है। INS विक्रांत को ISC-1 के नाम से भी जाना जाता है और इसका मोटो है जयम सम युद्धि स्प्रधा, जिसका मतलब ये हुआ मैं उन लोगों को हराऊंगा जो मेरे खिलाफ लड़ेंगे। और INS विक्रांत के निर्माण कार्य के साथ ही भारत दुनिया का पांचवा ऐसा देश बना जिसने खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित किया है। अगर बात करें इसके डेवलपमेंट की तो INS विक्रांत के डिजाइन का कार्य 1999 में शुरू हुआ था और इसके लिए ऑर्डर 2004 में दिए गए थे। INS विक्रांत के निर्माण कार्य को 28 फरवरी 2009 में शुरू किया गया और इसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले 12 अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया था। और अगर बात करें इसके करंट स्टेटस की तो INS विक्रांत के स्ट्रक्चर से संबंधित कार्य को 10 जून 2015 तक पूरा कर लिया गया था और फिलहाल इसमें केबलिंग, पाइपिंग, हीट और वेंटिलेशन पर काम चल रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट करियर को मई 2017 में तकनीक से संबंधित कुछ देरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया था और कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट करियर के फिटिंग का कार्य 62% पूरा हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन है, इसकी लेंथ 262 मीटर, बीम 62 मीटर, ड्रॉट 8.4 मीटर और डेप्थ 25.6 मीटर है। INS विक्रांत को पावर देने के लिए इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 गैस टरबाइन इंजन को लगाया गया है और INS विक्रांत की मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 8000 नॉटिकल माइल्स यानी 15000 किलोमीटर तक है। INS विक्रांत की क्रू कैपेसिटी 196 ऑफिसर्स और 1449 सेलर्स की है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सेलेक्स RAN-40L लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग और सर्विलियंस AESA रडार और एल्टा ALM-2248 MF*STAR AESA मल्टीफंक्शन रडार्स के साथ साथ कई सारे सेंसर्स और प्रोसेसिंग सिस्टम्स को लगाया गया है। INS विक्रांत करीब 30 से 40 एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम है, जिनमें 26 फिक्स विंग एयरक्राफ्ट मिकोयन MiG-29 के और 10 रोटरी विंग एयरक्राफ्ट जैसे कि केमॉक KA-31, वेस्टलैंड सी किंग और HAL ध्रुव शामिल है। INS विक्रांत को कई सारे घातक हथियारों से भी इक्विप किया गया है, जैसे कि 4 76 mm की ड्यूल पर्पस कैनन्स, BRAC-1 और BRAC-8 सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम। और अगर बात करें इसे सर्विस में शामिल किए जाने की एक्सपेक्टेड डेट की तो INS विक्रांत को 2018 तक इंडियन नेवी में पार्शियली कमीशन किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण इस एयरक्राफ्ट करियर को देरी का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक अब INS विक्रांत को इंडियन नेवी में 2019 या 2020 तक पार्शियली कमीशन किया जा सकता है और भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी CAG के अनुसार इस एयरक्राफ्ट करियर को पूरी तरह से बनने में करीब 2023 तक का समय लग सकता है। यानी INS विक्रांत को इंडियन नेवी में पूरी तरह से 2023 तक ही कमीशन किया जा सकेगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।